दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल नगांती सुनील चौहान ब्लॉग में। वीडियो एंड तक देखिए और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक और है हमारे चैनल से, जो भी नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं यूट्यूब फैमिली के रूप में, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी भी दबा दीजिए। कोई भी वीडियो डाले, ब्लॉग डाले, नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम लोग साड़ी है और हम मिथुन जा रहे हैं अपने इया को देने मम्मी को, तो मम्मी और इया बहुत खुश हो जाएंगी ना जी। तो चलिए अभी वीडियो शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं अभी हम लोग दोनों भाई जा रहे हैं अपने पहले वाला घर पर दादी इया को साड़ी देने और मम्मी का। चलिए देख सकते हैं मिथुन बाइक चला रहा है, बैठे हुए हैं इधर। दोस्तों आप लोग कभी घूमे नहीं होंगे, ये पुराना रास्ता है बहुत पहले का। हाँ तो देख सकते हैं दोस्तों कैसा रास्ता है। चलिए अभी चलते हैं क्योंकि बाइक में से वीडियो बनाना रिक्सी है, मोबाइल वोबाइल छूट गया, हाथ से दिक्कत हो सकता है। देख सकते कैसा रोड है, देख सकते हैं अभी दोनों भाई आ गए हैं घर पे। हाँ मम्मी उधर अभी पूजा करने जा रही हैं। तो देख सकते हैं अभी घर के पीछे कैसे अमरूद लगा है। अन्ना गांधी जी रहती थी तो खूब अमरूद खाती थी, देखेंगी तो बहुत खुश होगी। देख सकते हैं आइए है घर का लोग। पहले घर से निकल चुके हैं, आगे रास्ते चल रहे हैं अपने घर को, क्योंकि वहाँ भी सब बरत भूखी है, मिथुन के भाभी और काजल भी। तो चलिए टाइम से चलते हैं नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। और रास्ता इतना बेकार है दोस्तों, देख सकते हैं इधर दोस्तों देख सकते हैं ये सब नहाने के लिए बैठे हुए। इधर दोस्तों देख सकते हैं आ रहा है में हाईवे, जो हमारा एक ही चीज़ बना था मनपसंद ये था हाईवे, यहाँ से सीधे जाके मिलेगा था वे। सीधा सीधी रास्ता है तो एकदम टाइम का थोड़ा बचत होता है। पता ना आप लोग आवाज़ उतना साफ सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। इधर दोस्तों देख सकते वाह इतना खतरनाक है। तो चलिए अभी ये आ गए हम लोग हाईवे से, चलते हैं खाए वहाँ थोड़ा कुछ पानी पियेंगे, उसके बाद चलेंगे और घर पर भी मिठाई उठाई खाए। चलिए आप तो नहा रहे इधर ये हाईवे पर खानी खाएँ, हम तो पहुँच चुके हैं। चलिए अभी यहाँ क्योंकि हाईवे पर ना बहुत तेज़ चला रहे थे बाइक, थोड़ा रुक रुक के चलना चाहिए ना, क्योंकि आँखों में समस्या से लंबा सफ़र करते समय थोड़ा थोड़ा बीच बीच में चला लेते हैं, रुक जाते हैं तो आँखों में सही रहता है। चलिए अभी खाएँ घर का। तो देख सकते अभी आया हूँ पहले वाला घर से अपने, नगांती जी सर के जा रही हैं कथा सुनने। कथा सुन के आएंगी तो फिर वीडियो में बताएंगी क्या क्या कथा सुनी, कैसा कैसा, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं कि दूसरी बार ना। हाँ तो चलिए अभी नगांती जी कैसी लग रही है बताइएगा। एकदम अपने बहन के घर गई थी जन्मदिन में, जो साड़ी मिला था वो है, और कितना क्यूट लग रही हैं आज। बाबू के जन्मदिन तो बाबू जा रहा है हमारा केक लाने। हाँ आकाश भी कस नहा लिए थे मेरे साथ जा रहे, और वो लोग खाना बनाई अपना खाए खातिर बच्चे खाते। वो लोग नहीं आएंगे, पता नहीं बोले तो हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों नगांती जी खूब मुस्कुराती है तो क्यूट और लग जाती है। चलिए और एक चीज़ और है, छतरी लग चुका है दोस्तों, बच्चे एकदम हैप्पी है, खुश है। मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि बीजे के जन्मदिन पे छतरी सेट कर देंगे, देख सकते कहाँ सेट करवाए हैं। अब थोड़ा बच्चे खेलने के बाद थोड़ा बहुत सीरियल चाहे समाचार चाहे जो भी थोड़ा बहुत कैटून होता है देख लेंगे तो उतने से खुश रहेंगे और मन लगा के पढ़ाई भी करेंगे ना। हम लोग हमेशा टीवी पे उन लोग को नहीं छोड़ देंगे कि एकदम देखते रहिए, पढ़ाई के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसके पास थोड़ा टीवी भी देख लिया करें। हाँ तो देख सकते शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही हैं, शॉर्ट वीडियो बनाने जा रही है का कौन सी गाना है जी, थोड़ा सुना दीजिए, इतने से नहीं होगा ना। थोड़ा सा मेरे में कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ, तो आएगा तो मैं देख लूंगा ना फिर। नहीं हाँ, सुनाता
ये कट्ठा कैसे गा रही है? दुकाओ कट्ठा सरसों और दुकाओ कट्ठा ये कट्ठा बो देती धनिया ए राम, हम कुछ कुछ खाएती चटनिया ए राम ना। बाप रे गजब गजब शॉर्ट वीडियो का गाना सोच के बनाती हैं। आ इधर बच्चे भी रेडी हो गए हैं, बीजे जा रहे केक लाने टाइम से अपने, आ लिया के वहाँ फ्रिज में रख देना ठीक है, यहाँ मत ले आना। अच्छा अच्छा तो देख लेना गले वाला। आ मौसम दोस्तों देख सकते हैं कितना सुहाना हुआ है, किरिन तो बुड़ गया है, घर आंगन साफ सफाई कर दी है नागंती की और बर्तन भी धुल दिए। अब चलता हूँ मैं टेस्टी टेस्टी कोई खाना बनाने जो आपको दिखेगा वीडियो में। आ इया को दोस्तों वीडियो में नहीं ले आ पाए इसलिए के नहाने बैठी थी उस टाइम, वो आज बरत जो है ना तो मम्मी नहा रही थी, इया को नहवा रही थी। आ थोड़ा अपने घर को दिखाए हैं कितना, नहीं अंधेरा था लाइट भी नहीं था, लाइट कटा हुआ था तो नहीं उतना नहीं दिखा पाए, फिर कभी आपको दिखाएंगे। एक छोटा भाई है उसके शादी में जरूर दिखाएंगे ना, आपको पूछेंगे अगर वीडियो में आते हैं तो, और देखते हैं कब तक शादी होता है। नागंती जी शादी के नाम से क्यों मुरझा जाती हैं, क्या चेक करेंगे? टेंशन है ना, ये शुरू से दुका दुका झेलते आई हैं इसीलिए। तो चलिए अभी चलता हूँ मैं अपने किचन में। दोस्तों कितना मेकअप लगाई है का? बाप रे इतना किंग दे रहे हैं, सुखल का पाउडर लगा लो ना। सुखल का पाउडर तो दोस्तों ये पाउडर का कमाल है कि नागंती जी इतना क्यूट लग रही हैं आज, आप वाइट पाउडर लगा ली हैं सुखल का। चलता नहीं जाइए चलो आकाश को लेते जाइए। तो ये पाउडर का कमाल है, सही है, बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। देख सकते हैं अभी टीवी सेट हो चुका है और कितना सुंदर, अभी इस पे रखे थे फिट कर दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं दोस्तों। देख सकते हैं अभी फाइनली आलू और तिरोई का सब्जी काट दिया हूँ, इधर प्याज और सूखा मिर्च का फोरन देने के लिए। तो चलिए अभी पहुँचते हैं अपने किचन में, आ सब्जी तो काट ही दिया, चावल और सब्जी बना लेते हैं। आज सुबह कोई और टेस्टी टेस्टी नागंती जी की पारना है तो सुबह देखते हैं क्या बनता है, लेकिन अभी जो आलू और तिरोई का सब्जी बनेगा। देख सकते हैं आ गया फाइनल अपने किचन में, सब्जी यहाँ रख दिया और कढ़ाई चढ़ा दिया गैस पे, चलिए अभी गर्म हो जाता है और उसके बाद फोरन डालेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी सब्जी में पानी भी डाल दिया छमक के, आलू और तिरोई और थोड़ी सी सोयाबीन भी डाल दिया हूँ, सोयाबीन थोड़ा सा डालने से टेस्टी हो जाता है। तो चलिए अभी सब्जी हमारा ढपक जाता है, उसके बाद रोटी बनाएंगे कि चावल सब दिखाएंगे आपको वीडियो में, नागंती जी आती हैं तब। तो देख सकते हैं अभी विजय और विकास कैसे घर को सजा रहे हैं, गुब्बारा मंगा दिया था 30 रुपये का, इधर दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए सजा लेते हैं और उसके बाद मिथुन केक लेके आएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी कैसे डायरेक्शन चेंज करके कैसे सजा रहे हैं, आज जो भी है उतने में बच्चे खुश हो रहे हैं, देख सकते हैं कैसे अपना गुब्बारा में फुला फुला के दे रहा हूँ और बच्चे सजा रहे हैं, चलिए सजा लेते हैं। तो इधर देख सकते हैं अभी सब्जी का क्या लुक हुआ है और कितना टेस्टी टेस्टी आलू और सोयाबीन और थोड़ा सा तिरोई का सब्जी, चलिए खुशबू इतना तेज दे रहा है तो ढाक देता हूँ, फिर आती है नागंती जी तो जो भी बनाना है बनाएंगे। इधर दोस्तों देख सकते हैं भीड़े हुए बच्चे डाइनिंग टेबल कैसे सजा रहे हैं, आइए तो आप देख ही लिए, तो चलिए और भी गुब्बारा फुला के सजा लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी सब्जी बनाने के लिए नागंती जी ऑर्डर करी थी, सब्जी मैंने बना दिया है, इधर थोड़ा बच्चे को भूख लगा ना तो उनको खाना दे देते हैं। चावल था सुबह का देख सकते हैं, तो चलिए अभी थोड़ा सा चावल बच्चे खा लेते हैं और उसके बाद बनाएंगे, क्योंकि आज बच्चे तो जागेंगे, अभी ये जा रहा है नहाने। तो सब्जी कैसा बना है जी बताइए? मुझे का पता नहीं, मैंने ऐसी एक देखा नहीं जाता है। अच्छा, किचन की शोभा बढ़ जाता है जब नागंती जी किचन में आती है तो दोस्तों। हाँ इतना साइज का बना है, थोड़ा सा हाइट बढ़ गया है, नहीं तो मैं छोटा हूँ। हाँ हाँ विजय को क्या बोलते हैं, लग रहा है अब दिन ब दिन छोटा हो जा रहा है। ऐसी दो चार ब्लाउज सिलवा देता है नागंती जी के लिए और क्यूट लगने लगती हैं, इतने से बहुत इनका चेहरे का रंग आज अलग लग रहा है ना जी। सुबह से सूख गए थे, नहाई थोड़ा। अच्छा चलिए फिर हो जाएगा सही। हाँ। पानी भी ना ले सकती, इसी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। चलिए मत बोलिए। तो देख सकते हैं अभी सपनों के घर को सजा दिए, कितना सुंदर लग रहा है। हाँ
नगांती जी अभी आई है कथा सुन के। हाँ, देख सकते अभी क्या क्या पहनी है, कितना सुंदर लग रही है। चांद निकल गए आपके घर में। हाँ, ये माला है, ये जूतियाँ है, ये जूतियाँ। हम लोग आज अच्छा काम किए कि नहीं दोनों भाई जाके अपने मम्मी को। हाँ, जो भी जुड़ा वो थोड़ा ले जाके दिए और मम्मी बहुत खुश हुई, बहुत आशीर्वाद दी। ऐसी हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बने रहता है और आप लोग तो हमारे आदरणीय है ये है, ऐसी अपना आशीर्वाद प्यार दुलार बनाए रहिए। आ कैसा लगा दोस्तों आज की ब्लॉग जरूर बताइएगा। आ ढेर सारा ढेर सारा इंजॉय होगा, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। कौन कौन आ रहा है हमारे खुशियों में शामिल होने, वो सब आपको दिखाएंगे। आ कितना सारा इंजॉय होगा, कितना सारा बात होगा। सब्जी तो देख लिए कि क्या बनाया था एमी। एक दोस्तों और ये बात है, ये मुझे 10-11 बजे फिर कल खाना मिलेगा। 10-11 बजे? हाँ, तो अच्छी बात है, थोड़ा अच्छी बात है। शरीर को खाना मुक्त एक दिया ही जाता है कौन, ऐसे ही हालत खराब। ये पहले व्रत रहा करता था कि एक दिन आदमी हमेशा भूखे रहते हैं तो कितने आदमी का पेट पलता है। वो कौन सी एक सुना था मैं किसी एक बार में, मैं ऐसे खड़ा हूँ ना तो मेरे पूरा देह गन 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 गन। हाँ तो चलिए कोई नहीं, अभी 11 बजने में कितना टाइम लगता है, सुबह हुआ 11 बजे खाना बनाते हैं समय करते समय। तो ये सब बातें थी दोस्तों, आप लोग जरूर कमेंट बताइए कैसा लगा आज की वीडियो। और मुझे पूरा विश्वास है कि एकदम अच्छा लगा होगा आज की ब्लॉग। चलिए बिल्कुल खत्म हो गया एकदम, देख रहे कपार में चिपका चिपका लगता है नगांती जी का ना, बाल। और आप लोग तेल बताए थे वो मैं ले आऊँगा, थोड़ा अभी मजबूरी है समझ सकते हैं, और उसको इस्तेमाल करेंगे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो फाइनली यहीं पे एंड करते हैं। हाँ, मिलते हैं एक नई वीडियो में। हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं लोग, हम कैसे लगा था नहीं यू बताएं लोग। हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।